अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल एजुकेशन की वीडियोस के हवाले से है, सो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। आज का जो टॉपिक हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है वो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के बुक से टॉपिक है हमारे पास, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट क्रिस्टल, चैप्टर नंबर 4, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स का ये हमारे पास टॉपिक है, कोवलेंट क्रिस्टल, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट क्रिस्टल। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द बॉन्डिंग इन द कोवलेंट क्रिस्टल एक्सटेंड्स इन द 3 डायमेंशन। जो बॉन्डिंग होती है ना हमारे पास कोवलेंट क्रिस्टल में, वो 3 डायमेंशन में एक्सटेंड होती है हमारे पास। दे कंटेन अ नेटवर्क ऑफ एटम्स। इसमें जो है नेटवर्क ऑफ एटम्स होते हैं हमारे पास, मतलब एटम्स ने फुल एक नेटवर्क बनाया होता है। द वैलेंसीज ऑफ एटम्स आर डायरेक्टेड इन डेफिनेट डायरेक्शन। जो वैलेंसीज होती हैं एटम्स की वो इनडेफिनेट डायरेक्शन में हैं, जो डायरेक्ट हुई हुई होती हैं। सॉरी फॉर दिस मिसहैप, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक अगेन। सो द पैकिंग ऑफ द एटम्स इन दिस क्रिस्टल इज लूजर देन दोज ऑफ आयनिक एंड मेटेलिक क्रिस्टल। तो जो इस कोवलेंट क्रिस्टल में पैकिंग होती है ना, ये बहुत ज़्यादा लूज होती है। अगर हम इसका कंपेरिजन करें आयनिक क्रिस्टल से या फिर मेटेलिक क्रिस्टल से, तो उसकी नस्बत इसकी पैकिंग बहुत लूज होती है। दस कोवलेंट क्रिस्टल हैव ओपन स्ट्रक्चर। इस वजह से कोवलेंट क्रिस्टल जो है उसका स्ट्रक्चर ओपन स्ट्रक्चर होता है। These crystals are very hard and considerable amount of energy is required to break them. ये crystal बहुत ज़्यादा hard होते हैं और considerable amount of energy चाहिए होती है इनको तोड़ने के लिए। They have melting points and their volatility is very low. इनका melting point होता है और उनकी जो volatility है बहुत ज़्यादा कम होती है। Due to the absence of free electrons and ions, they are bad conductor of electricity. फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर आयंस की एब्सेंस की वजह से ये वीक बहुत ज़्यादा बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। However, graphite has the layered structure. Graphite का जो structure होता है वो layered होता है and the electrons are available in between the layer, और जो electrons होते हैं वो इन layer के दरमियान जो है available होते हैं। These electrons are delocalized and conductivity become possible. इन ये जो electrons होते हैं ये delocalized होते हैं और इनकी जो conductivity होती है वो possible हो जाती है हमारे पास। Graphite is a non-conductor perpendicular to the layers. Graphite जो है हमारे पास non-conductor होता है जो कि layers के perpendicular होता है। Mostly covalent crystal solids are in सोल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। जो हमारे पास कोवलेंट क्रिस्टल सॉलिड्स होते हैं ना वो पोलर सॉल्वेंट में इंसोल्युबल होते हैं, लाइक वाटर, जिस तरह वाटर में, बट रेडिली सोल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ये ज़्यादातर सोल्युबल होते हैं, लाइक बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड की तरह। द कोवलेंट क्रिस्टल हैविंग गेंड मॉलिक्यूल लाइक डायमंड एंड सिलिकॉन कार्बाइड आर इनसोल्युबल इन ऑल द सॉल्वेंट्स। जो कोवलेंट क्रिस्टल होते हैं ना जिनका गेंड स्ट्रक्चर गेंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिस तरह से डायमंड और सिलिकॉन कार्बाइड, ये इनसोल्युबल होते हैं तमाम सॉल्वेंट क्रिस्टल्स में बिकॉज ऑफ देयर बिग साइज। अपने बड़े साइज की वजह से दे डू नॉट इंटरेक्ट विद द सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन नहीं रखते। बिकॉज ऑफ दे डू नॉट इंटरेक्ट विद द सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट के साथ कोई भी अट्रैक्शन नहीं रखते। द केमिकल रिएक्शन ऑफ सच क्रिस्टलाइट सॉलिड्स आर वेरी स्लो। ऐसे जो हमारे पास क्रिस्टलाइट सॉलिड्स होते हैं ना, उनका जो केमिकल रिएक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है, बहुत हल्का हल्का करके वो कैरी आउट हो रहा होता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड विच इज़ वेल नोन कोवलेंट सॉलिड। अब इसके बाद हम डायमंड का स्ट्रक्चर भी स्टडी करेंगे जो कि बहुत मतलब कि वेल नोन कोवलेंट सॉलिड है हमारे पास। डायमंड में जो है कोवलेंट स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो होप्स आप लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, जिसमें वो हमें कोवलेंट क्रिस्टल के बारे में बता रहे थे कि कोवलेंट क्रिस्टल में जो पैकिंग होती है वो एज़ कम्पेयर टू द आयनिक या फिर मेटालिक बॉन्ड वीक होती है। सो अब उसके बाद हमने इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा इन डिटेल। सो उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डायमंड पर डिस्कस करेंगे किस तरह स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड जो है उसमें कोवलेंट क्रिस्टल किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है। सो होप्स आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आया होगा। इस तरह के मजीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ कनेक्ट रहें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।